JEE Main January 2020 का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. रिएक्शन क्या है? हेक्स थ्री आइनल ऑन रिएक्शन विद NaBH4 फॉलोड बाय PBr3 फॉलोड बाय Mg ऑब्लिक ईथर फॉलोड बाय CO2 ऑब्लिक H3O प्लस, इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा. यानी कि फोर रिएजेंट्स को एक सीक्वेंस में हेक्स थ्री आइनल के साथ रिएक्शन करवाई गई, तो उसके बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देखना है. जरा देखते हैं, हेक्स थ्री आइनल का मतलब क्या हुआ? हेक्स थ्री आइनल का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अल मतलब है एल्डिहाइड, और उसके 1, 2 और थर्ड पर है ट्रिपल बॉन्ड आइन. दिस इज हेक्स थ्री आइनल. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना. तो 1, 2 थर्ड पर है ट्रिपल बॉन्ड. ऐसे ट्रिपल बॉन्ड जहां होता है वहां 180 का एंगल बनाते हैं, ठीक है. अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सबसे पहले किससे? NaBH4 से, राइट. NaBH4 इसका पहला रिएजेंट. तो ये NaBH4 इसको तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को कुछ नहीं कर पाएगा. 2, 3, 4, 5, 6 में ये बन जाएगा CH2OH, और ये ट्रिपल बॉन्ड रह जाएगा 1, 2, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड रह जाएगा यार, ठीक है. ये पहला रिएजेंट है. दूसरा रिएजेंट इनका है PBr3 इनका दूसरा रिएजेंट है. एल्कोहल के साथ जब भी हम फास्फोरस हैलाइडों की रिएक्शन करते हैं तो SN2 रिएक्शन होती है, और ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें बन जाएगा CH2Br, और ट्रिपल बॉन्ड जहां थर्ड कार्बन पे था वहीं रह जाएगा. फिर इन्होंने कहा कि अब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी Mg और ईथर से. Mg और ईथर के साथ जब रिएक्शन होगी तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा. ये थर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन है 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पर बन जाएगा अब CH2MgBr, और 1, 2 थर्ड पर ट्रिपल बॉन्ड जैसे लगा हुआ था वैसे लगा हुआ है, ठीक है ना. अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी CO2 फॉलोड बाई ये फोर्थ रिएजेंट है CO2 फॉलोड बाई H3O प्लस. तो CO2 फॉलोड बाई H3O प्लस, हम जानते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब CO2 H3O प्लस से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है COOH. एक कार्बन और ऐड हो जाएगा इस बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेवेंथ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पर आ जाएगा COOH, और अब की बार 1, 2, 3, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जहां थी वहीं रह जाएगी. ये COOH CO2 के साथ जुड़ा है, ठीक है ना. तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया अब, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो इसका नाम क्या होगा? हेप्ट 4-ion ओइक एसिड, ठीक है ना. क्लियर हो गई बात. एक बार फिर से देख लें, हमने हेक्स थ्री आइनल से शुरू किया, ठीक है ना. हेक्स थ्री आइनल को पहले NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाया. दिस इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल. तो ये एल्कोहल में रिड्यूस हो गया. इस एल्कोहल को फिर PBr3 से रिएक्शन करवाया, तो ये एक SN2 रिएक्शन होती है जिसमें OH की जगह ब्रोमो आ जाएगा. तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया. अब इसके बाद इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन हो जाएगा ये, ठीक है ना. तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट आ गया. इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब CO2 से करवाएंगे तो यहां पर COOH लग जाएगा, और एक एडिशनल कार्बन भी आ जाएगा. तो टोटल हमने 6 कार्बनों का कंपाउंड लेकर शुरू किया था, बट फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑफ 7 कार्बन, बिकॉज 1 CO2 इज एडेड हियर ड्यू टू ग्रिगनार्ड, राइट. इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 4-ion ओइक एसिड, और इस हिसाब से हमारा आंसर क्या निकला? थर्ड ऑप्शन. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3. नोट करें.